हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और उसके बाद फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे इन रूल्स के बेसिस पे। देखो, हमने ऑफबाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखो, ऑफबाउ प्रिंसिपल में क्या था, इसमें क्या कहा था, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। किसी भी जब हम किसी ऑर्बिटल मतलब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब वो ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो उसके बाद उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव करते हैं, वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो उसके बाद उससे नेक्स्ट एनर्जी वाले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इस हिसाब से ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। ये कहा था अब वो प्रिंसिपल ने। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो 4 क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं हो सकता। ये कहा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। आज शुरू करते हैं हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। It states pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell does not take place until each orbital of that subshell has got 1 electron each. ये क्या कहता है, P, D और F subshell के केसेस में पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक हर ऑर्बिटल उस पर्टिकुलर सबशेल की एक एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर ना कर ले। कैसे, मतलब देखो ये यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी सबशेल है ये S, P, D and F। S सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसमें तो सिर्फ एक होता है, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं। S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 and 3, 7। हाँ, तो S, P, D, F। तो S के केस में तो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो एक क्लॉकवाइज आएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, खत्म बात। लेकिन पी सबशेल का ये कहते हैं हंड्स रूल, पी, डी और एफ के केस में ये कहता है कि जब तक हर ऑर्बिटल, अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स है पी में, जब तक हर ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर ना कर ले तब तक पेयरिंग नहीं होती। मान लो कहते हैं कि इस पी में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरा भी इसमें आ गया। तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं कि ये तरीका गलत है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जब सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हर ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इसमें जाएगा तो सेकेंड इसमें जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर थर्ड इसमें जाएगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगी। अब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब पेयरिंग होनी शुरू होगी, 4 यहाँ पे आएगा, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते 1, 2, 3 and 4, ये तरीका गलत है। सबसे पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जब सबको मिल जाएगा उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। ऐसे ही डी और एफ के केस में, अगर डी में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे फिल करोगे, एक तो आप कहो कि ऐसे फिल कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये तरीका गलत है। इसमें कैसे फिल होते हैं, सबसे पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जब सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी 6 and 7। तो ये कहा था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने। आई होप अब आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें एटम्स की, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे अरेंज होती है, सबसे कम किस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है उससे ज़्यादा, मतलब ऑर्बिटल्स कौन की एनर्जी के बेसिस पे कैसे हम लिखते हैं। देखो हम कैसे लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा 1s, जब n की वैल्यू 1 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही सबशेल होती है 1s, और फिर एक ही ऑर्बिटल होती है 1s ऑर्बिटल। पी के केस में 2 होती है, जब n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 हो तो 2 सबशेल होती है 2s and 2p। n की वैल्यू 3 हो तो 3s 3p 3d। n की वैल्यू 4 हो तो 4s 4p 4d 4f। ऐसे 5 के केस में 5s 5p 5d 5f, 5g भी होता है वो लिखने की नीड नहीं है, 6s 6p 6d। तो हमने इनकी एनर्जी को कैसे अरेंज किया था, हम ऐसे डायगनली इनको कट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे डायगनली कट करेंगे, जो सबसे पहले कट होगा उसकी एनर्जी सबसे पहले, तो सबसे पहले आएगा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s कट हुआ तो फिर उसके बाद 2s की एनर्जी, देन 2p और 3s. तो 2p 3s में से 2p पहले कट हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2p देन 3s. उसके बाद 3p 4s. 3s के बाद आएगा 3p देन 4s. उसके बाद क्या कट होगा 3d 4p 5s. 3d 4p 5s देन 4d 5p 6s. 4d 5p 6s. इस तरह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है. ये n प्लस एल रूल के बेसिस पे किया है हमने. n प्लस एल रूल के बेसिस पे किया है. ये भी आप हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. इन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स कैसे लिखते हैं हम. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटम है, एटम के अंदर ऑर्बिटल्स है, तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब वन बाय वन देखते हैं सबकी. इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. या एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस पी डी. इनमें कितने हैं मान लेते हैं इसमें ए बी सी. ए बी सी यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है. ये दिखाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल. इस ऑर्बिटल में इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं. ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनके नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं सुपरस्क्रिप्ट. तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस नोटेशन में, या फिर हम ऑर्बिटल बना के हमने ऐसे वन एस बनाई, ऐसे पी की ऑर्बिटल बनाई और ऐसे डी की 5 ऑर्बिटल्स बना दी. इस तरह से हम फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके दिखाएंगे कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दो तरीके हो सकते हैं. हम दोनों ही तरीक़ों से देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे. यहाँ हमने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लिख लिए हैं, उनके एटॉमिक नंबर लिख लिए. यहाँ पे उनका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1. तो जब हमारा जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल है, यानी किसी तरह का चार्ज नहीं है. H प्लस नहीं है, लिथियम पे प्लस नहीं है, मतलब किसी तरह का प्लस या फिर माइनस चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है. उस केस में जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें उतने ही होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर व्हेन एटम इज न्यूट्रल. हमारी स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल हो, आयंस नहीं हो, तो जितने जो एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले किसकी एनर्जी होती है? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की. 1s में जाएगा. हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हमारा 1s. इसके नीचे लिख लिया 1s. तो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इस 1s में आएगा. हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में आएगा. और कोई सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. 1s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिंपलेस्ट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन. उसके बाद आते हैं हीलियम. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो यहाँ पे हम ये लिख दिया 1s. तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और दूसरा भी इसी में आएगा, बट विद अपोजिट स्पिन. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे कम्प्लीटली इसमें हीलियम में. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2. 1s2. उसके बाद लिथियम. लिथियम के केस में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम. यहाँ पे हमने एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे शो कर दिया. अब ये कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तब क्या है? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सेकंड में. तो 1s के बाद कौन सा आता है? 2s. 1s के बाद 2s. तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 2s में. 2s में जाएगा. इस तरह से तो हमने दिखा दिया. ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में और एक 2s में. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s1. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद बेरिलियम. बेरिलियम के केस में देखो, ये हमने ड्रॉ कर लिया 1s और ये 2s. एक बार सबके ये ऑर्बिटल्स की ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. अब देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. तो पहले 2 तो इसमें आ जाएंगे 1s में, बाकी के 2s में. दोनों कम्प्लीटली फिल हो गए. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s2. 1s2 एंड 2s2. उसके बाद बोरोन. बोरोन में एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सबसे पहले 1s को कम्प्लीटली फिल किया जाएगा. ये कम्प्लीटली फिल होगी. इसके बाद हम 2s पे जाएंगे. ये कम्प्लीटली फिल होगी. अब इसमें क्योंकि एक ऑर्बिटल में 1 से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो जो अगला 5th इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2p में. ऐसे लिखा जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में. तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1 2 2 4 और 1 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कार्बन के केस में यहाँ पे लगेगा फिर अब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 1s को कम्प्लीटली फिल किया, ये हो गया, फिर 2s को किया, ये हो गया, आगे 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए तो ये जाएगा 2p में। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन वो इसी में ना जाएगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। पहले क्या है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा इस ऑर्बिटल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, ये हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब नाइट्रोजन के केस में देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। आगे ऑक्सीजन केस में 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 1 2 3, ये कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 to 4 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के केस में 1s2 2s2 सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब कम्प्लीटली फिल हो गया, ये 7 हो गए तो 8th यहाँ पे आएगा और 9th यहाँ पे। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p5। आगे देखो यहाँ पे नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले 1s में आए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p ड्रॉ किया हमने 1 2 3 4 5 6 6 एंड 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कम्प्लीटली, मतलब कि इसमें सारे ऑर्बिटल्स हैं, सारी सबशेल है जो वो कम्प्लीटली फिल होती है, सारी सबशेल 1s 2s और 2p मतलब कम्प्लीटली फिल होती है। ये हो गया नियोन, तो इसके हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6। अब है सोडियम। सोडियम के केस में देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले तो 1s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में, देन 2p में 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 2p में, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो अब नेक्स्ट में जाएगा, तो 1s 2s 2p, 2p के बाद क्या आता है 3s, इसके बाद आती है एनर्जी 3s की। तो यहाँ पे आ गया ये 11th इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया सोडियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब क्योंकि यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली नियोन जैसी है, और नियोन क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ऐसे लिखा ये नियोन और यहाँ पे लिख दिया 3s1, मतलब कि यहाँ तक तो नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, देन 3s1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे देखो मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में, देन 2p 1 2 3 4 5 एंड 6 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो किस में आएंगे 3s में 1 एंड 2। ये हो गया मैग्नीशियम। तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियोन 3s2। ये इन 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। आगे है एल्यूमिनियम, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s ये 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p 1 2 3 4 5 एंड 6 3s 12 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ तक। तो जो 13th इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट में आएगा 3s के बाद क्या आता है 3p, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियोन, नोबल गैस है ये, नियोन 3s2 3p1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। सिलिकॉन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ तक तो ये एज इट इज रहेगा 3s तक, 1s 2s 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 3s 3p। अब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लग जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 14th वो कहाँ जाएगा इस ऑर्बिटल में। पहले सबको एक एक मिलेगा, उसके बाद फिलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं नियोन 3s2, 3p2। ऐसे केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है नियोन वाले, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली शेल्स है ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड शेल को इसमें कहा जाता है वैलेंस शेल, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनर शेल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ध्यान रखना है, कोर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कम्प्लीटली फिल हो गया। तो आगे मूव करेंगे 3s की ओर, 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल, देन 3p, 1, 2 एंड 3। तो हो गए ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, या फिर हम लिख सकते हैं नियोन जो कि इनर शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल कौन सी है हमारी थर्ड शेल, थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है। तो ये लिखा जाएगा 3s2, 3p3, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1s, 2s, 2p, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन 3s, उसके बाद जाएगा 3p में, 1, 2, 3, एक बचा 16th इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, या फिर हम लिख सकते हैं नियोन 3s2, 3p4। ये हो गया हमारा क्लोरीन के केस में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में, अब तो आप भी कर लोगे ये, देन 2p में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन 3s, आफ्टर दैट 3p, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गए हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के। कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, या फिर हम लिख सकते हैं नियोन 3s2, 3p5। आपसे पूछ ले क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। आपसे पूछ ले कि फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या उनको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो सिर्फ इसको नहीं करना, ये पूरी थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर अभी ये सब शेल्स है, तो ये क्या होंगे सारे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 एंड 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के केस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और क्लोरीन के केस में 5 और 2, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आर्गन, 1s, 2s, 2p, 3s, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो एक एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे, 18th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ये कम्प्लीटली फिल हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको ऐसे लिखने की भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही एक आर्गन है, तो खुद ही मतलब एक नोबल गैस है, तो हम इसको आर्गन लिखेंगे। अब इससे नेक्स्ट वालों को आर्गन की फॉर्म में लिखेंगे, पहले आर्गन लगाएंगे, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे इनर शेल के रूप में, और बाकी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ये है हमारा पोटेशियम के केस में लिखते हैं, देखो 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन 3s, एंड देन 3p, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 19 किस में आएगा, 19 आएगा नेक्स्ट में। 3p के बाद आता है 4s, 3p के बाद आता है 4s, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हो गया हमारा पोटेशियम। इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको आर्गन यहाँ तक कि क्या है इसकी इनर शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है ये फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गया यहाँ तक आर्गन और इसको ऐसे लिखेंगे 4s1। देखो अभी है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो हम इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s, देन 2p 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 3s 3p, यहाँ तक ये हो गए इसके 18 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए तो 19 यहाँ पे आएगा और 20 यहाँ पे, 19 यहाँ पे आएगा 20 यहाँ पे। तो ये होगी इसकी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ तक की क्या होगी आर्गन, तो इसको लिख सकते हैं आर्गन, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, देन 4s1। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे कैल्शियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी होती है फोर्थ शेल वैलेंस शेल होती है, और सब शेल 4s वैलेंस सब शेल। अब स्कैंडियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 20 तक तो कैल्शियम जैसा ही फील किया जाएगा। ये यहाँ पे है 1s 2s और 2p, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2, तो यहाँ तक ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4s के बाद कौन सी एनर्जी कौन सी ऑर्बिटल होती है 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 21st जो इलेक्ट्रॉन होगा 21st दैट विल कम इनटू 3d सबशेल, 3d के फर्स्ट ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे 4s2 आएगा, सॉरी 4s2, तो ये हो जाएगा 4s2 एंड देन 3d1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ तक तो आर्गन की तरह है, बाद में 4s2 एंड 3d1, 4s2 एंड देन 3d1। आगे देखते हैं टाइटेनियम के 22 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22 आ जाएगा यहाँ पे, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो ये आ गया 22। तो इसकी कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ये हो गया आर्गन 4s2 3d2। नाउ वेनेडियम 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे फिल किया जाएगा। इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी बाकी तो आर्गन जैसी, तो इसको लिखेंगे हम आर्गन 4s2 3d3 4s2 एंड देन 3d3। नेक्स्ट हम क्रोमियम का करें, उससे पहले आपको नोट डाल के एक ये बात नोट करनी है दैट कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल। अगर या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कम्प्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड नहीं है। तो उससे देखो अब इसमें अब एक एक्सेप्शन निकल के आएगा, क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 24 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये होना चाहिए हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। क्रोमियम थोड़ा सा अलग है, वो क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है कि हाफ फील्ड सबशेल्स आर मोस्ट स्टेबल, कंप्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड सबशेल्स आर मोस्ट स्टेबल। तो इसके केस में क्या होता है, अगर 3d को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, 3d को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये हाफ फील्ड हो जाएगी, हाफ फील्ड हो जाएगी जो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसलिए जो 4s का ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे नहीं होता बल्कि यहाँ पे चला जाता है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों ही स्टेबल है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है और हर चीज़ क्या चाहता है ग्राउंड स्टेट पे कि उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम रहे और स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे। तो इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रहता है और इसमें भी अब हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तब दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। तो इसकी जो कॉन्फिगरेशन होती है वो यहाँ से 4s, यहाँ पे ऐसे होता है, 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का, ये ध्यान रखना है। तो इसके हम कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5 4s1 and 3d5। this is due to extra stability of exactly half filled substance। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक तो हो गया ये आर्गन जैसा, यहाँ तक आर्गन जैसा हो गया और ये क्या बचा बाद में 4s1 3d5। तो ये ध्यान रखना है क्रोमियम इज एक्सेप्शनली, जो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इट इज एक्सेप्शनल। देखो मैग्नीज के केस में 25 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये तो ऐसे ही होता है, जो ट्रेंड हम फॉलो करता है उसी हिसाब से होता है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 और हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d5। ये हो गया हमारा मैग्नीज। आयरन के केस के 26 इलेक्ट्रॉन्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 और जो 26 है वो यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आयरन। तो इसकी कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो ये आर्गन की तरह है, आर्गन 4s2 3d6। कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and 27। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d7। निकल 28 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन, यहाँ तक आर्गन हो गया, देन 4s2 3d8 5 एंड 3 8, तो 3d8 दिस इज निकल। अगला है कॉपर, 29 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो क्रोमियम की तरह ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है इसका। इसमें देखो 29 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये होनी चाहिए 4s में 2 और 3d में ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। तो 3d में 10 हो जाते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे होता है, 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन 3d में 10, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड सबशेल इज मोर स्टेबल। तो अब ये हाफ फील्ड होगी, ये कंप्लीटली फील्ड, दोनों स्टेबल है। पहले क्या था, ये तो ठीक थी, ये तो हाफ फील्ड थी, स्टेबल, ये कंप्लीटली फील्ड थी, ये तो स्टेबल थी, लेकिन इसमें क्या था, ना ये कंप्लीटली फील्ड थी ना ये हाफ फील्ड थी, तो इसलिए ये वाली होती है इसकी एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, आर्गन 4s1 3d10। दिस इज स्पेशल केस ऑफ क्रोमियम, सॉरी कॉपर। कॉपर और क्रोमियम के केस में ये दो स्पेशल केस होते हैं, कॉपर और क्रोमियम। इनमें थोड़ी सी हटके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 30 एटॉमिक नंबर, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ऐसे 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सभी कंप्लीटली फील्ड है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ तक तो हो गया ये आर्गन का, नोबल गैस की फॉर्म में लिखा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये यहाँ तक तो हो गया आर्गन, देन 4s2 3d10 दिस इज जिंक। तो यहाँ तक हमारे 30 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप ये समझ के होंगे। अब आपको अगर कोई भी एलिमेंट दे, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो और आपको पता हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि कोई एलिमेंट है जिसमें 33 जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी जेड वैल्यू दे दी 33 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो कैसे करोगे आप? तो हमें पता है सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सबसे पहले जाएंगे 1s में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s हो गया। उसके बाद 2s, देन 2p, हम एक बार सारे बना लेते हैं, ये हो गया 2p, 3s, 3p, 4s, 3D के बाद एनर्जी आती है 4P की, यहाँ पे 4P, तो इनकी एनर्जी कैसे है वो भी हम निकाल लेंगे अब वो प्रिंसिपल से। तो अब इनकी फिलिंग करते हैं, देखो 33 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो ये होगी हमारे 33 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 4p3। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 33, और 33 किसका होता है, ये आर्सेनिक का होता है, आर्सेनिक का होता है 33। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमसे ये पूछ ले कि एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे और उसमें ये पूछेंगे इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इस तरह से भी आ सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताओगे, इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब देखो ये सारे पेयरिंग हो रखे हैं, इसमें ये 3 कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबकी पेयरिंग हो रखी है, सब पेयर में प्रेजेंट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये 3 है जो जिनके साथ पेयरिंग नहीं हो रखी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3। तो सिंपली है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो आप कि किनकी पेयरिंग नहीं हो रखी, तो उनमें हम ऐसे फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब जैसे अगर आपको कहे क्रोमियम के केस में बताओ, तो क्रोमियम होता है 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कई बार। तो 1 2 3 4, ये हो गया 2p, 3s, 3p, 4s एंड देन 3d, ये हो गया ऑर्बिटल्स। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। लेकिन ऐसे नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, यहाँ पे। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली पता नहीं होती तो आप कैसे लिख देते, ये यहाँ पे होता तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देते, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि एक्सेप्शन है तो इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ों को माइंड में क्लियर करते हुए जाना है कि इसकी क्यों हुई है। क्रोमियम की अगर ये एक्सेप्शन केस है, इसका ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्यों है, क्योंकि हाफ फिल और फुल फिल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर देन फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। तो इसलिए जो क्रोमियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं, 4 नहीं होते, 6 होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अब जो हमारे जो सेकंड चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये थर्ड चैप्टर हमारा क्लास 11 का, ये शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching.